मंदिर आए थे तो बहुत भीड़ है मंदिर में, कम से कम 2 किलोमीटर तक का लाइन है मंदिर में, तो दर्शन नहीं हो पाया। बाहर से ही माँ का दर्शन कर लिए और अभी हम आपको दिखाएंगे लाइन कितना लाइन है और कहाँ तक लाइन है, और जो भी हमारे भाई कलकत्ता गए वो देखेंगे तो आज बोलेंगे इतना लाइन है, मतलब बोलने से 2-2.5 किलोमीटर तक का लाइन ही है, 3 किलोमीटर तक का। तो आप लगाओगे तो कब तक वो लाइन आप मंदिर का दर्शन करोगे बता नहीं सकते, फिर उससे चलो हम दिखाते हैं आपको। इधर आ माँ, इधर आ, चलो। जय माता रा। देख लो दोस्तों कितना भीड़ है, आप अब विश्वास नहीं करोगे। अभी आपको लाइन भी दिखाऊंगा कितना लंबा लाइन है, तो बहुत लंबा लाइन है, भीड़ भी बहुत है। माता रानी सबका मनोकामना पूरा करे, जो भी ये वीडियो देख रहा है माता रानी का दर्शन कर लो। दक्षिणेश्वर मंदिर काली, दक्षिणेश्वर मंदिर बाली में है कलकत्ता का, और माँ यहीं रहती है हमारी माँ, हर जब भी आते हैं हम दर्शन करते हैं, जब भी समय मिलता है माता रानी का। और आप देख सकते हैं बहुत भीड़ है, और ये लाइन देख रहे हैं, ये जो आप सामने में लाइन देख रहे हैं लाइन बहुत दूर से आ रहा है, आप विश्वास नहीं करोगे, मतलब 2-3 किलोमीटर होगा अभी लाइन, पूरा भीड़ है। बहुत लाइन है दोस्तों, और यहाँ पर जूता जमा होता है और मोबाइल बैग जो भी आप अपने साथ लगेज लाए हो आप इधर जमा कर सकते हो, उसके बाद आप दर्शन कर सकते हो इस इजाजत में। ये मेन गेट है, यहाँ से एंट्री होता है मंदिर का द्वार के अंदर। देखो दोस्तों बहुत भीड़ है वहाँ पर दर्शन करने के लिए। देखो दोस्तों इधर भी लाइन है, पूरा लाइन ही लाइन है, लाइन बहुत दूर से आ रहा है। ये है पार्किंग लॉट, यहाँ पर आप अपना गाड़ी 4-व्हीलर 2-व्हीलर ला कर यहाँ पार्क कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ सब निकाल के अपने आप घूम चल सकते हैं। यहाँ पर आप पार्किंग लॉट है और लाइन बहुत है यहाँ पर, ठीक से चलिए। अभी कचौड़ी का और इडली का टोकन दे दिया हूँ अभी भैया को, इडली डोसा टोकन, अभी कचौड़ी का टोकन ले लिया हूँ, लेता हूँ वहाँ। कचौड़ी का ले लेता हूँ, कचौड़ी का टोकन। एक कचौड़ी देखे ₹400 ज़्यादा दाम खाली लूटा था बस, तो इसी का 50 देखो बाबू, एक्सक्यूज मी, देखो तो इसी का 50 रुपया लिया है, बताओ कचौड़ी का कम से कम 20 रुपया प्लेट को 50 रुपये। चलिए खाते उसके बाद मिलते हैं दोस्तों। ये मम्मी आई है और हमारी भगनी हमारे साथ आई है मंदिर दर्शन करने, और अभी कचौड़ी ले लिए हैं, इडली ले लिए हैं, क्योंकि सुबह से कुछ खाए नहीं थे तो अभी खाओ लिए, तो अभी तो दर्शन कर लिए हैं। माँ का दर्शन तो पूरा नहीं हुआ, आधा दर्शन हुआ है, क्या करें बहुत भीड़ था। और देख सकते हो ये भीड़ बहुत है दोस्तों, तो उन्हें बाहर से ही दर्शन करके प्रसाद ले के आ गए, और मम्मी को भी नाश्ता करा दिए, भतीजी को भी नाश्ता करवा दिए, और अभी चलेंगे घर, फिर गाड़ी निकालेंगे। तो आज का हमारा यही ब्लॉग था, और अभी लाइन दिखाएंगे अब कहाँ तक लाइन है इसका, लाइन बहुत लंबा, बहुत मतलब 3-4 किलोमीटर तक लाइन है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं, चलो मम्मी खा लिए हम भी खा लिए, चलो चलते हैं। देखो ये लाइन देखो कितना बड़ा लाइन है, देखा सको 2 किलोमीटर, आधा तो पूरा ब्रिज ले लिया है दोस्तों माता रानी का दर्शन करने के लिए। देख सकते ये देखो माँ का मंदिर इधर है, लाइन कहाँ पर है, बहुत दूर दूर लाइन है दोस्तों।
लाइन देख सकते हो, बहुत लंबा लाइन, आधा ब्रिज तक लाइन है, यहाँ तक लाइन है। देखो दोस्तों, देख रहे हो दोस्तों, यहाँ तक पूरा लाइन है। अब देखो इसको जूम आउट करता हूँ, कितना दूर लगा यहाँ से, ये तो आधा ब्रिज में इधर ही लाइन है दोस्तों। अभी आगे में तो पूरा लाइन ही लाइन है। यदि आप इस लाइन में लगोगे तो फिर माता रानी का दर्शन तो होगा जरूर। माँ बहुत सबके मनोकामना पूरा करें, माँ तारा देवी मैया, दक्षिणेश्वर वाली मैया, सब देवी, सब देवता, सब पिंड कीजिए माता रानी की। चलिए दोस्तों, पिंड करते हैं, चलते हैं घर। ये ब्रिज है और हम अभी गाड़ी में बैठ गए हैं और अभी चलते हैं अपना घर। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं घर में। ओके बाय, टेक केयर।